क्या वर्ल्ड कप की वजह से सोलर पैनल की प्राइस हमें कम देखने को मिल रही है या इसकी कोई और वजह है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। क्या वर्ल्ड कप की वजह से सोलर पैनल की प्राइस हमें कम देखने को मिल रही है? हमारे एक भाई ने मैसेज किया कि सर बताइएगा, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या इसकी वजह से सोलर पैनल की प्राइस हमें कम देखने को मिल रही है या इसकी कोई और वजह है? मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर कर सकूं। आज की वीडियो के अंदर सबूत के साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि आज से अगर 2 महीने पहले की देखा जाए तो सबूत के साथ बताया जाएगा उस वक्त रेट क्या चल रहा था। लेकिन अगर आज की तारीख के अंदर सबूत के साथ आप लोगों को बताया जाएगा आज की तारीख के अंदर जितने भी बड़े सोलर पैनल है उसकी प्राइस क्या चल रही है। इसके अलावा आप लोगों को यह भी हैरानगी होगी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चीज महंगी हो जाती है दोबारा जिस वक्त वो सस्ती होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्या ये वाकई सस्ता हो गया, क्या हमें 2 नंबर तो नहीं मिल रहा, क्या वजह क्या बनी है, क्यों ये सस्ता होता जा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी बातें की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। क्या वर्ल्ड कप की वजह से सोलर पैनल की प्राइस कम हो रही है? इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं, आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले यानी कि अगस्त के अंदर भी अगर आप लोग देखते हैं सोलर पैनल की प्राइस मार्केट के अंदर आप लोगों को क्या मिल रही थी, सामने स्क्रीन पर सबूत में आप लोगों को दिखाता जाऊंगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर देखा जाए अगस्त के अंदर आप लोगों को सोलर पैनल की प्राइस मार्केट से क्या मिल रही थी तो ये तकरीबन आप लोगों को 80 रुपए से लेके तकरीबन मिल रही थी 87 रुपीज पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल की प्राइस देखने को मिल रही थी। जिस तरह अगर देखा जाए JA का सोलर पैनल वो 80 रुपए पर वाट मिल रहा था, कैनेडियन जिनको इसके अलावा दिक्कत जितने भी सोलर पैनल थे इसी तरह तरतीब से देखा जाए तो लॉन्जी का जो हाइमोसिक्स सोलर पैनल आया था उसकी प्राइस देखी जाए तो वो 87 रुपीज पर वाट के हिसाब से देखने को मिल रहा था। तो इसी वजह से आप लोगों को अगर अगस्त के अंदर सोलर पैनल की प्राइस देखने को मिलती है वो तकरीबन 87 रुपीज पर वाट के हिसाब से मिल रही है तो आज की तारीख के अंदर आप लोगों को क्या। इसी तरह अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाएं सितंबर के अंदर तो सितंबर के अंदर आप लोगों को तकरीबन 77 रुपीज पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल की प्राइस मिलेगी। इसके अलावा इसी तरह मिलते जुलते थोड़ा बहुत 1, 2, 3, 4 रुपए पर वाट के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता रहता है। इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं आजकल सोलर पैनल की प्राइस क्या चल रही है, आजकल सोलर पैनल की प्राइस देखने से पहले मैं आप लोग को ये बताता जाऊं क्या वर्ल्ड कप की वजह से सोलर पैनल की प्राइस हमें कम देखने को मिल रही है, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए वर्ल्ड कप और सोलर पैनल एक अलग अलग चीज है, जो सोलर पैनल है वो आप लोगों की जरूरत है। आजकल पाकिस्तान के अंदर देखा जाए सोलर पैनल और सोलर सिस्टम लगवाना मजबूरी बन चुका हुआ है क्योंकि आप लोगों ने अपने घर में लाइट और पंखा चलाना ही होता है तो इस वजह से आप लोगों ने सोलर पैनल परचेज करने ही होते हैं। तो बाज ऐसे लोग भी होते हैं जो वर्ल्ड कप को नहीं देखते, जो मैच को पसंद नहीं करते, तो इसी वजह से मैच एक अलग चीज है और सोलर पैनल एक अलग चीज है। अभी बात करते हैं सोलर पैनल सस्ता क्यों हो रहा है, इसकी वजह यह है कि इसका सीजन आउट होना शुरू हो गया है और मार्केट के अंदर अगर आजकल देखा जाए स्टॉक काफी ज्यादा मौजूद है जिसकी वजह से कस्टमर देखे जाए तो कस्टमर जो है मार्केट के अंदर इतने ज्यादा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी डीलर हजरात हैं उनके पास जो रेट आता है उनकी कोशिश होती है ये रेट और रेट या थोड़ा बहुत ऊपर भी हमें बचत मिलती है तो इस सोलर पैनल को निकालें। क्योंकि जितने भी बड़े डीलर होते हैं उनकी कोशिश ये होती है हमारा स्टॉक पड़ा ना रहे, हमारे पैसे आई चलाई लगी रहे, तो इसी वजह से आप लोगों के पास जो सोलर पैनल का रेट मिल रहा है ये आजकल वही रेट मिल रहा है, कोई भी डीलर आप लोगों के पास वही सोलर पैनल का रेट लेकर आ रहा है जो उसको खुद पड़ा हुआ है, यानी कि अगर उनको पड़ा है तकरीबन कोई 50 रुपीज पर वाट उसकी कोशिश होगी 52 या 55 रुपीज पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल निकाल दूं, थोड़ी सी बचत रखते हुए वो अपना सोलर पैनल मार्केट में लेके आ जाता है। इसी तरह अगर बात कर ले आजकल सोलर पैनल की प्राइस क्या चल रही है, तो आजकल प्राइस क्यों अगर देखा जाए तो आप लोगों को जो सोलर पैनल मिलने वाला है 55 रुपीज पर वाट से लेके 63-65 रुपीज पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल की प्राइस देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए लॉन्जी का सोलर पैनल, लॉन्जी हाइमोसिक्स का बात की जाए तो वो तकरीबन आप लोगों को मिलने वाला है 63 या 64 रुपीज पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आप लोग हाइमो 5 की बात करें तो वो आपको तकरीबन 62 रुपीज पर वाट के हिसाब से मिलेगा।
इसके अलावा जिनको है, कैनेडियन है, जे है, ये इसी तरह नीचे सोलर पैनल प्राइस देखने को मिलेगी। तो इसके बाद अगर बात कर लें पाकिस्तान के अंदर जितने भी सोलर पैनल है उसकी प्राइस आप लोगों को इससे नीचे ही देखने को मिलेगी। आज की तारीख के अंदर जो रेट चल रहे थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।